तो ये था एक छोटा सा वाक्य। इसी तरह के वाक्य मैं आपको सुनाता रहूँगा, बताता रहूँगा, जो भी मेरे साथ गुजरे हैं, जिनसे कुछ पेरेंट्स को, कुछ स्टूडेंट्स को, कुछ टीचर्स को, कुछ मुझे भी सीखने को मिलेगा। सो अब जैसा कि हम सब जानते हैं, एग्ज़ाम का मौसम वापस लौट के आया है, और स्पेशली सबसे अधिक डर स्टूडेंट्स को रहता है। एंड स्टूडेंट्स, आप यकीन मानिए कि जितना प्रेशर आपको रहता है, उससे भी ज़्यादा प्रेशर आपके पेरेंट्स को रहता है, और उससे भी कहीं ज़्यादा प्रेशर टीचर्स को रहता है कि आप कैसा स्कोर करेंगे। तो अब या तो उसको प्रेशर हम लेकर के चलें, और या तो कुछ चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, जो मैंने इन 14 सालों में ऑब्ज़र्व किया, इन 14 सालों से तो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके पहले जब मैं खुद भी पढ़ता था, तो जो चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व किया मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ जो है वो होता है टू बिलीव इन योर सेल्फ, क्योंकि जब तक तुम खुद अपने आप पर भरोसा नहीं रखोगे, तो ये कैसे मान सकते हो कि दुनिया तुम पे भरोसा करेगी। मेक अ प्रॉमिस टू योर सेल्फ, यस आई विल स्कोर 90+% एंड मेहनत करो। मेहनत करने के बाद नहीं आया ना, तो तुम्हें उतना ख़राब नहीं लगेगा, क्योंकि तुम अपने आप को समझा सकोगे कि हाँ, मैंने मेहनत किया लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं आ सका। लेकिन मेहनत ही नहीं किया और फिर नहीं आया, तो वो बहुत खुद को समझाने के लिए भी तुम्हारे पास अल्फाज नहीं बचेंगे। और नहीं आया तो कौन सा कुंभ का मेला है यार, कि 14 साल बाद ही आएगा। फिर अगले साल ट्राई करना, स्टार्टिंग से स्ट्रीमलाइन करना अपनी स्टडीज़ को, अपने डेली टाइम टेबल को, फिर करना ज़रूर आएगा। लेकिन कभी भी ज़िंदगी में अपने जहन में किसी भी तरह का गलत ख्याल मन में नहीं लाना, जिसके बाद तुम्हें, तुम्हारे पेरेंट्स को, तुम्हारे चाहने वालों को अफसोस हो। शायद मेरी बात तुम तक पहुंच रही है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, एक बात याद रखना हमेशा, जो भी अधिकांश कामयाब लोग दुनिया में मौजूद हैं या जो भी रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सब स्कॉलर ही रहे हों। सो 90+% मार्क्स या स्कोर में, क्लास में फर्स्ट रैंक लाना ही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। सिर्फ तुम अपना काम करो, जैसा भगवद गीता में भी लिखा हुआ है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। सो कीप प्रैक्टिसिंग इन अ राइटफुल वे, इन अ राइटफुल मैनर, विद द राइटफुल पर्सन, यू विल डेफिनेटली सक्सेस इन योर लाइफ।